हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पीयूष सिंह आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लाता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपके भी एनसेंट के डैशबोर्ड में ये एरर आ रहा, वी फाउंड योर एड कोड ऑन वन मोर साइड डेट एरिया डोंट ऑन योर साइड लिस्ट, टू अवॉइड लॉस्ट रेवेन्यू मेक श्योर यू एड ऑल यू साइड टू लिस्ट दिस। तो फ्रेंड्स, इस एरर को कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स बताऊंगा आपको पूरी डिटेल से। फ्रेंड्स, ये एरर आपको क्यों आता है और इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ये एरर आपको क्यों देखने को मिलता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको एक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप एक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट का यूआरएल देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यह है वेबसाइट का यूआरएल। तो फ्रेंड्स, इस यूआरएल के कारण मेरे में ये एनसेंस में ये एरर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, पहले आपको इस यूआरएल को कॉपी करके मैं चले जाता हूँ गूगल क्रोम में, इनकॉग्निटो मोड ऑन कर लेता हूँ। और आपने जो भी यूआरएल कॉपी किया, अगर आपके में अलग यूआरएल आया हो तो सिंपली यहाँ आपको ब्राउज़र में जाके पेस्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे दिखते हैं, मैंने ब्राउज़र में पेस्ट किया तो यहाँ पे सेम मेरी वेबसाइट का सेम इंटरफेस है, मगर यहाँ पे जो यूआरएल है वो अलग है। मैं आपको अपनी जेन्युइन जो वेबसाइट है उसका यूआरएल टाइप करके आपको दिखाता हूँ। तो मेरी जो वेबसाइट है एपीआईडी न्यूज़ है, तो मैंने इसे सर्च किया और यहाँ पर मैं सिंपली सर्च करके पहली जो लिंक है उसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे इसने, यह है मेरी वेबसाइट का इंटरफेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो दोनों लिंक है उसका सेम इंटरफेस एकदम सेम है। तो एक में ऐड आ रहा है और एक में नहीं आ रहा है। तो जो दूसरी साइड है जिसमें ऐड नहीं आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। इससे गूगल के जो रोबोट से इससे इसमें क्रॉल किया है, इसमें जो ऐड नहीं आ रहा है, इसलिए यही कह रहा है कि आपकी एक और साइड है जिसमें हम आपको ऐड शो नहीं करा रहे, इसलिए आपका जो रेवेन्यू है लॉस हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो यूआरएल है ये तब आता है जब आप किस आपका जो कंटेंट है कोई कॉपी कर लेता है या आप परमा लिंक को एडिट करते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कहीं पे लिंक पेस्ट कर रखा है इस वेबसाइट का या इस एडिट पोस्ट का, तो आपको पहले चेक कर लेना जो आपने लिंक पेस्ट किया वो सही किया या नहीं किया। अगर आपने ऐसा काम नहीं किया तो फ्रेंड्स आपको सिंपली अपने एनसेंस के डैशबोर्ड पर आ जाना। पहले मैंने आपको लाइव प्रूफ डेमो दिखा दिया, तो यहाँ पे देखते हैं सेम मेरी वेबसाइट है और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं एनसेंस के डैशबोर्ड पर आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर आपको एक यस या नो करने का ऑप्शन आ रहा होगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको पहले फिक्स कर लेना है एरर को। अगर आपने कहीं पे भी वेबसाइट का जो यूआरएल है, जो भी आपका यहाँ पे एरर में दिखा रहा है यूआरएल, जो भी पोस्ट या होम पेज का, अगर आपने कहीं पे पेस्ट कर रखा, गलती से आपने कहीं गलत पेस्ट लिंक कर दिया, तो आपको उसे रिमूव करके सही लिंक पेस्ट कर देना है। और फिर आपको करने के बाद आपको सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे जिसने मैंने नो पे क्लिक कर दिया, नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिसने, अब यहाँ पे आपको जो फिक्स है वो एरर फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आप दोबारा एक्शन पे क्लिक करेंगे तो जो आपका पहले इंटरफेस आ रहा था वो अब एक्शन पे क्लिक करने के बाद नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं वेट कर लेता हूँ कितने घंटे या कितने आवर्स में ये फिक्स हो जाता है, तब मैं आपको वीडियो में मिलता हूँ। फ्रेंड्स, मुश्किल से 5 मिनट वेट करने के बाद जो मेरा एरर था वो फिक्स हो गया। अब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र ओपन होने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ एनसेंस का। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरा एरर वो शो नहीं कर रहा। अब मैं आपको एक और बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, आपको लाइव प्रूफ डेमो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसलिए 5 ही मिनट में मेरा जो एरर है वो फिक्स हो गया। तो मैंने आपको कहा था अगर आपने लिंक कहीं पर गलत पेस्ट कर रखी है तो आपको तुरंत रिमूव कर लेना, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका जो एरर है वो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम यहाँ पे 15 लग जाता है अगर आपका एरर सही नहीं होता है तुरंत, तो आपको 15 डेज तक वेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछने, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमें प्रेजेंट स्टेप पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन।